सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। ओके दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था एमएचटी सीटी 2022 का फ्री क्रैश कोर्स, जिसका मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर जो एनिमल्स है हमारे जो चैप्टर है, इसका मैंने आपको वन शॉट वीडियो प्लस इसके बेसिक टू हार्ड लेवल एमसीक्यूज, फिर से इसके मैं कुछ और हार्ड लेवल एमसीक्यू मैंने लिए थे इससे पहले के लेक्चर में। ओके तो इस लेक्चर में मैं आपसे जो पीवाईक्यूज इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर के मतलब इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, मतलब पीवाईक्यू जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए। ओके तो वैसे क्वेश्चन आपको इस साल में भी आने के चांसेस होते, तो उन्हें हम पीवाईक्यूज कहते हैं। ओके तो वो हम इस लेक्चर में लेने वाले। ओके दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का फर्स्ट आपका एमसीक्यू लेते। तो आपका फर्स्ट एमसीक्यू दोस्तों ऐसा है, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स डैश कन्वर्ट सेमिनिफेरस ट्यूबल, मतलब ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, मतलब जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है उसके अंदर कितने परसेंट ऑफ, मतलब कितने उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके तो वो होते दोस्तों 1 to 4, क्योंकि दोस्तों हमने पिछले एक एमसीक्यू में देखा था कि वहाँ पे बोला था कितने, मतलब एक लोब्यूल्स के अंदर कितने टेस्टिस के अंदर हमारे ह्यूमंस के मतलब मेन के टेस्टिस के अंदर कितने लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मेन के टेस्टिस के अंदर दोस्तों 200 to 300 मतलब इतने लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके और लोब्यूल्स के अंदर 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब दैट इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। ओके तो इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेमिनल फ्लूड हेल्प्स इन द कंजक्शन ऑफ सीमेन आफ्टर इजेक्शन, मतलब नीचे देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेमिनल फ्लूड को हेल्प करता है आफ्टर आपके बॉडी में से सीमेन अगर बाहर निकल गया तो उसके बाद, मतलब नीचे देखिए ऐसा कौन सा मतलब फ्लूड है वो आपके बॉडी को हेल्प करता है। ओके दोस्तों, वो होता है दोस्तों फाइब्रिनोजन ऐसा होता है, मतलब क्या करता है जब आपके बॉडी में से सीमेन बाहर निकल जाता है। ओके तो उसके बाद जो फाइब्रिनोजन होता है वो आपके बॉडी के लिए मतलब हेल्प करते हैं कंजक्शन के लिए। ओके तो उसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपका बी हुआ। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप द प्रोस्टिक फ्लूड फॉर्म अबाउट डैश ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन, मतलब प्रोस्टिक फ्लूड जो होता है, अभी देखो प्रोस्टिक फ्लूड जो होता है वो आपके ध्यान में आना चाहिए कि उसके वो क्या करता है सीमेन का, मतलब सीमेन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके तो उसके वो पूछ रहे कि वो होता है। ओके ठीक है, बट इसके अंदर कितना परसेंट ऑफ प्रेजेंट होता है सीमेन, तो ये ऐसा बोल रहे हो। ओके तो वो होता है दोस्तों आपका 30%। ओके 30% मतलब सीमेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है आपका प्रोस्टेट फ्लूड के अंदर, मतलब प्रोस्टेट के अंदर वो प्रेजेंट होता है। ओके सेकंड दोस्तों, आपका मेजर पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन इन अ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, मतलब मेजर पार्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा सीमेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके बॉडी के अंदर। ओके इनका ऐसा क्वेश्चन हो के तो वो होता है दोस्तों आपका होता है आपका सेमिनल वेसिकल्स के अंदर, सेमिनल वेसिकल्स के अंदर आपका मतलब 50 to 60% आपका जो सेमिनल मतलब सीमेन होता है। ओके तो वो प्रेजेंट होता है। ओके तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन हुआ। ओके सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे 2017 में क्वेश्चन पूछा था, 2019 पूछा था। ओके ध्यान रखना। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको, मतलब आप समझ सकते हो कितने इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके एमएचटी सीटी एग्जाम में। ओके दोस्तों, आपको मतलब क्या करना है, सिर्फ आपकी जो बुक है आपका मतलब जो आपका स्टेट बोर्ड का बुक है, ओके एचएससी का जो आपका स्टेट बोर्ड का बुक है, तो उसको आपको पहले मतलब हर एक चैप्टर का मैं एमसीक्यू लेता हूं, उससे पहले आपको वो बुक के वो चैप्टर पढ़ के आना है। ओके मतलब वो चैप्टर अब आप सिर्फ रीड करोगे ना, तो उसकी वजह से आपको जो एमसीक्यू प्रैक्टिस ले रहा हूं मैं उनका आंसर भी आपको अच्छे से देते आएगा, और आप वो आंसर दोगे तो आपको क्या होगा, मतलब आपके ब्रेन के अंदर वो मतलब क्वेश्चन अच्छे से मतलब छप जाएगा, मतलब आपको उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद हो जाएगा, और आपने जो पढ़ा था वो भी आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट था क्या था। ओके तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर एमएचटी सीट एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आया, मतलब क्वेश्चन रिपीट नहीं होते बट क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा मतलब अल्टरनेट पूछे रहते, मतलब कुछ भी थोड़ा सा उनके अंदर थोड़े माइनर चेंजेस होते, ओके तो आपको क्वेश्चन भी मतलब उसका आंसर भी अच्छे से आ जाएगा। ओके तो आपको क्या करना है, सिर्फ बुक रीड करके रखना है। ओके सेकंड दोस्तों, आपका क्वेश्चन है आपका, इन ओहरी एस्ट्रोजन इज सीक्रेट बाय, मतलब ओहरी के अंदर एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। ओके मतलब किसकी वजह से होता है वो सीक्रेट होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों आपका फॉलिकुलर सेल के वजह से फॉर्म होता है। ओके तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन। ओके सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ यहाँ पे, देखो थोड़ा जूम इन भी करता हूँ। ओके ओके सेकंड दोस्तों, आपका ड्यूरिंग ओव्यूलेशन के वक्त द ओवरी रिलीज, मतलब ओव्यूलेशन जब होता है फीमेल को तो उसके ओवरी में से क्या रिलीज होता है, तो इनका ऐसा क्वेश्चन तो दोस्तों वो होता है आपका सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। ओके ध्यान रखना, मतलब ओव्यूलेशन के वक्त क्या होता है फीमेल के बॉडी में से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। ओके तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका राइट ऑप्शन आपका डी है, राइट ऑप्शन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा है, इन मेंस्ट्रुअल साइकिल द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ओके प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बता रहा है यहाँ पे, रीचेस इन मैक्सिमम इन, मतलब जो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल है वो कौन से फेज के अंदर, नीचे देखिए ऐसे कौन से फेज के अंदर उसकी प्रोजेस्टेरॉन की लेवल मैक्सिमम होती है, मतलब ज्यादा होती है। ओके ऐसा इनका क्वेश्चन। ओके दोस्तों, वो होता है आपका सिक्रेटरी फेज, क्योंकि सिक्रेटरी फेज का ड्यूरेशन भी ज्यादा, मैंने आपको बताया 13 to 14 डे का उसका सिक्रेशन, मतलब उसका ये टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है। ओके तो इसलिए इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, रिलीज होता है। ओके तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन होगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है आपका, ओके द स्पर्मेटोजेनेसिस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर अंदर जो आपका एंड मतलब लास्ट के अंदर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कौन सा होता है वो, ओके इस फॉर्म में, मतलब कौन सा फॉर्म होता है। ओके तो इनका ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, वो होता है आपका
इसका राइट ऑप्शन है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है जो आपके मतलब जो आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो लास्ट का एंड के अंदर जो एक मतलब फर्स्ट जो माइटोटिक डिवीजन बचता है तो वो होता है दोस्तों आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, वो आगे मतलब फॉर्म होता है। ओके, आपका राइट ऑप्शन आपका सी राइट ऑप्शन है। ओके, सो इसको टिक मार्क कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ऐसा है, द टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस, मतलब ओजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर टर्मिनेशन होता है तो ओके इंडिकेट बाय फॉर्मेशन, मतलब उसके अंदर क्या फॉर्म होता है आगे जाके। राइट ऑप्शन है यहाँ पे सेकेंडरी पोलर बॉडी, क्योंकि सेकेंडरी पोलर बॉडी होती है वो फॉर्म होती है ओजेनेसिस की, मतलब ओजेनेसिस जब होता है उसके अंदर इंडिकेट क्या करते हैं फॉर्मेशन, मतलब किसके लिए फॉर्मेशन होने का स्टार्ट हो जाता है वो होता है दोस्तों सेकेंडरी पोलर बॉडी स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, द ग्लाइकोप्रोटीन फर्टिलाइजिंग इन सीक्रेट, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन जब होता है तब उसके अंदर जब फर्टिलाइज होता है सीक्रेट क्या सीक्रेट करता है वो, तो ये ऐसे क्वेश्चन हो गया। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या सीक्रेट करता है दोस्तों, यहाँ पे देखो इन्हें एक क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा यहाँ पे, ग्लाइकोप्रोटीन फर्टिलाइजिंग इन सीक्रेट। अभी देखो यहाँ पे आपको एक देख सकते हो यहाँ पे नीचे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया आपको ओहम दिया है, स्पर्म दिया है, ओवरी दिया है और टेस्ट दिया है, मतलब दो पार्ट मेल के दिए हैं और दो पार्ट दिए उन्होंने फीमेल के दिए। अभी देखो आपको यहाँ पे कैसे मतलब बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखो एक मेन क्वेश्चन दिया है, मतलब यहाँ पे इन्होंने मेन वर्ड दिया क्या दिया है, फर्टिलाइजिंग। फर्टिलाइज किस में होता है दोस्तों, फर्टिलाइज सिर्फ फीमेल के अंदर होता है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ओवरी या फिर ओहम होगा। तो ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ग्लाइकोप्रोटीन कब मतलब ग्लाइकोप्रोटीन फर्टिलाइज होने के बाद सीक्रेट क्या सीक्रेट करता है, वो सीक्रेट करता है दोस्तों वो होता है ओहम, ओहम सीक्रेट करता है। ओके, तो ओवरी का यहाँ पे कोई सवाल नहीं। ओके, आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, मोरूला फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ क्लेवेज, मतलब मोरूला फॉर्म होता है एट द एंड ऑफ क्लेवेज के, ओके क्लेवेज के अंदर। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, मतलब उसके अंदर कितने कॉर्ड मतलब कितने सेल्स प्रेजेंट हो जाते हैं। ओके, तो इनका ऐसा क्वेश्चन होती है, तो मोरूला के अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट है दोस्तों, वहाँ मैंने आपको एक पिछले एमसीक्यू में बताया था, वो होता है दोस्तों 16 कॉर्ड स्टेज होते हैं। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी राइट ऑप्शन आपका। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, द प्रोसेस बाय विच प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड, मतलब प्राइमरी जर्मिनल लेयर जब फॉर्म होती है तो मतलब वो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ओके, प्राइमरी जर्मिनल लेयर फॉर्म होने के बाद उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। ओके, सो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जब होती है, मतलब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जो उसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी जर्मिनल लेयर क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। ओके, सेकंड दोस्तों आपका, ओके व्हाट आफ्टर द मतलब व्हाट इज आफ्टर बर्थ रेफर टू, मतलब बर्थ होने के बाद हम उसे मतलब क्या रेफर कर सकते हो। ओके, तो मतलब इसके क्वेश्चन है। ओके, बर्थ होने के बाद क्या होता है दोस्तों, बर्थ होने के बाद क्या होता है, एक्सप्लोशन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा जो होता है उसका एक्सप्लोशन होना स्टार्ट हो जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फ्यूटल मेमोरी, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड और फ्यूटल मेमोरी का मतलब जो होता है उसे मतलब वो दिखता है हमें ओके बाहर आते हैं वो। ओके ओके, तो फ्यूटस के साथ ओके अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आते हो, उसे हम कट करना पड़ता है। ओके, मतलब ये आपको पता होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन आपका सी ऑप्शन हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये लास्ट स्लाइड है हमारी इस लेक्चर की। ओके दोस्तों, ये आपका एन ओरल कॉन्ट्रेसिव पिल्स चेक्स। ओके, मतलब जो ओरल कॉन्ट्रेसिव पिल्स जो होते हैं तो उसे हम चेक्स कैसे करते हैं। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपका डी, क्योंकि ओव्यूलेशन के अंदर जो ओरल कॉन्ट्रेसिव पिल्स चिक्स होते हैं तो वो ओव्यूलेशन के अंदर होता है। ओके, दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपका डी ऑप्शन होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, द बर्थ कंट्रोल पिल्स कंटेन, मतलब बर्थ कंट्रोल करने के लिए कौन से पिल्स कंटेन मतलब यूजफुल होते हैं दोस्तों, होते हैं आपके प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन क्या होता है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन आपके जब ओव्यूलेटरी फेज आती है फीमेल के अंदर, तो वो उसके उस दिन मतलब उस डे के दिन क्या होता है, ये जो हार्मोन्स है ये रिलीज होते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, अगर हम उस टाइम अगर करें तो वो जो मतलब बहुत ही इफेक्टिव होता है, और उसी मतलब वो जो फर्टिलाइज होने के लिए वो एक फर्टिलाइज होने के स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो उस दिन ये होता है। ओके, प्रोजेस्टेरोन मतलब उसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो आपका ओवुलेटरी जो फेज होते हैं उस दिन जो होते हैं उस दिन आपको मतलब सेक्स के बारे में सोचना भी नहीं, ओके करना भी नहीं, ओके तब आपके मतलब बर्थ कंट्रोल हो सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन राइट हुआ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे खत्म होगा आई थिंक क्वेश्चन। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, दोस्तों प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, क्योंकि मैं इसके आगे पूरे एमएचटीसीटी का कोर्स पूरा आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, तो इसके मतलब अभी तो सिर्फ हमारे दो चैप्टर खत्म हुए, अभी तक हमारे बहुत सारे चैप्टर बाकी है। ओके, आई थिंक 13 चैप्टर बाकी आपके। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और शेयर भी करना है जिन आपके फ्रेंड्स को इस वीडियो को ऐसी वीडियो की जरूरत है। ओके दोस्तों, आपको पता है मेरे जो वीडियो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, बहुत ही छोटे वीडियो होते हैं, ओके मतलब 17-18-19-20 मिनट के ज्यादा से ज्यादा, तो आपको क्या करना है, मतलब आपको पढ़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। ओके, मतलब आप जल्दी से उसे पढ़ भी पाते हो। ओके दोस्तों, अगर थोड़े से वीडियो आपको अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को।